मुझे नहीं लगी। फर्डिनेंड, अल प्रोमेरो देख रहा है, थोड़ा सींग चलाओ मियाँ। नहीं, मैं मारपीट नहीं करता, मैं तो अहिंसावादी हूँ। तुम सींग नहीं चलाओगे तो वो तुम पर चलाएंगे। तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो? आ जाओ। आपने मारा फटका, तन्ने मजा आया के नहीं? तुम्हें लगता है तुम्हारे जीतने की औकात है? तो फिर एल प्रिमेरो को दिखाओ। जरूर दिखाऊंगा, उसे दिखा दूंगा कि असली ताऊ कौन है। खुद को संभाल को, आपको विकट गिरने नहीं देना। वो गिर गया। बहुत हुआ, बुल में ताकत के साथ होना चाहिए हुनर। इन बुल्स के पास दोनों ही नहीं है। रुकिए सर, इन्हें एक मौका और देकर देखिए। मेरी फाइनल फाइट 2 दिन बाद है, और अगर तब तक इस बेस्ट बुल फाइटर के लिए बेस्ट बुल ना मिला तो कोई भी बुल फाइटर तुम्हारे रेंच में कदम नहीं रखेगा। यू बिना ब्रेन का बैल, तू वहाँ क्या डूइंग कर रहा था? तुम हमें फिसड्डी दिखाना चाहते थे क्या? हम वहाँ फिसड्डी ही लग रहे थे, इससे अच्छा तो हम कबड्डी खेलते। मैं तो सिर्फ गोपो की मदद कर रहा था। मदद? पर तुमसे कौन आस्किंग? यू बैल जैसा बैड फाइटर मैंने कभी सींग नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि असली फाइटर है ही नहीं। ओ छोटे फर्डिनेंड का शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से ये अब भी वही पुराना डरपोक बछड़ा है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरता हूँ। डरे इसके दुश्मन, देखो इसे, मेरा दोस्त मौत का मोटर है ना फर्डू? नहीं, ना तो मैं कोई मोटर हूँ ना ही बुलडोजर। मैं तुम्हें कब से यही कहना चाहता था। तुमने गाँव को नहीं उजाड़ा और ना ही मैंने किसी बच्चे को निगला, थोड़ा चखा तक नहीं। तो तुम ये टेल कर रहा है कि तुम विनिंग का वास्ते रिंग में नहीं लड़ना वांटिंग? मैं फाइटर नहीं हूँ। यू तो मुझको समझ में ही नहीं आता। हाँ, मुझे भी नहीं, तो तुम चाहते क्या हो? देखो एल प्रिमेरो ने किसको चुना, कौन है ताकतवर? हाँ, ग्वापो तो चला ऐश करने। टाटा। ये कैसे हैपन हुआ? मुझे नहीं पता कि मैंने कई झंडे गाड़े वहाँ, पर जो भी किया वो जरूर होगा गजब। यहाँ पर क्या हैपन हो रहा है, कोई मुझे टेल करेगा? मैं तो फेमस होने वाला हूँ। ओह नो, जलते रहो जल कुकड़ों।